बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद भी क्षेत्र में शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिस्फी थाना पुलिस ने गुरुवार को लाधा चौक के समीप कार में भारी मात्रा में शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। बिस्फी पुलिस को सूचना मिली कि सहार घाट के तरफ से शराब की एक बड़ी खेप जा रही है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान के नेतृत्व में एसआई सुरेंद्र यादव, एएसआई सुरेश चौधरी एवं कमलेश राय ने दलबल के साथ लाधा चौक पर शराब से लदे वाहन को कारोबारी के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान तस्कर पुलिस को देख कर गाड़ी को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन खदेड़ कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि 540 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर रोशन कुमार, सूर्य नारायण, कांत कुमार, रोशन यादव, धीरज कुमार शाह, मनीष कुमार, जो सभी दरभंगा मब्बी थाना कंतोल एवं हरलाखी थाना क्षेत्र के शराब धंधेबाज है, उन सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन एन 95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें।